एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिए गए हो तो हम कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम ऐसा ही प्रॉब्लम देखने वाले हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13 फ्रॉम पेज नंबर 156। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। राधा एंड विकास वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोस और नीचे क्या दिया है, लेट अस रीड। ऑन 1st अप्रैल 2019 ओम वाज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, प्रीमाइसेस टू बी वैल्यूड एट 3,40,000, तो प्रीमाइसेस के आगे स्टार कर लेंगे। फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स की वैल्यू दी है, वहां पे भी स्टार कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैज टू बी मेड, तो डेटर्स के आगे स्टार कर लेंगे। स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एट 58,000, तो स्टॉक के आगे भी स्टार। ठीक है, आगे ओम शुड ब्रिंग इन 80,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वॉज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब ओम जब बिजनेस में आया तो उसने कैपिटल के साथ साथ उसका शेयर ऑफ गुडविल भी वो लेके आया है। ठीक है, एंड द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू NEFT। क्या पूछा गया है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, जब भी हमें बैलेंस शीट पूछा जाता है हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे न्यू बैलेंस शीट में अमाउंट्स। तो वन बाय वन कर लेते हैं। देखिए, एसेट साइड पे है प्रीमाइसेस 2,80,000 एंड फर्नीचर 22,800। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे लिख लेंगे कैश एट बैंक है 2,200। तो ये जो है ये हम वर्किंग नोट में लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं कैश एट बैंक 2,200 और बैलेंस शीट में हम सिर्फ ये लिख देंगे, बट अमाउंट जो हमारी वर्किंग नोट में आएगी एट दी एंड वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, ओके आगे ये हमारी एसेट साइड हो गई बच्चों। नाउ लेट अस मूव टू द लाइबिलिटी साइड। देखो लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट एज इट इज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट 2,00,000 एंड 1,20,000। बैलेंस शीट में यहां पे लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स राधा एंड विकास 2,00,000 1,20,000। ओके, और जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है बच्चों ये हमें ट्रांसफर करना है हमारे करंट अकाउंट में, बिकॉज जो भी अभी एडजस्टमेंट्स होंगे पार्टनर से रिलेटेड वो सारे हमें करंट अकाउंट में दिखाने होते हैं। राइट, तो ये 2,400 एंड 2,800 ये मेरे करंट अकाउंट के बैलेंसेस है 2,400 एंड 2,800 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, ओके, लोन फ्रॉम बालू दैट इज 40,000, तो ये आएगा मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लोन फ्रॉम बालू 40,000 और क्या है लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 12,000। सो यहां पे लाइबिलिटी साइड पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स 12,000। ऑलराइट, ओके, देखो हमने क्या किया, यहां पे सब हमने ट्रांसफर कर लिए हैं अमाउंट्स। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू लुक एट द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, प्रीमाइसेस वर टू बी वैल्यूड एट 3,40,000। प्रीमाइसेस कितने पे दिख रहे हैं बैलेंस शीट पे, देखो 3,40,000 दिख रहे हैं 280 पे, मतलब 60,000 से मुझे प्रीमाइसेस की वैल्यू को बढ़ाना है। तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय प्रीमाइसेस और तुरंत सेकेंड इफेक्ट देना है, हाँ भूलना नहीं है, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। तो यहां पे हम ऐड कर देंगे 60,000 आउटर कॉलम 3,40,000 एड एप्रिसिएशन। ठीक है, आगे
Furniture and fixtures at 20,800. Furniture and fixture is appearing at 22,800. मुझे इसे 20,800 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को मुझे 2,000 से कम करना है. एसेट की वैल्यू को कम कैसे करते हैं? उसे क्रेडिट करके. तो मेरी एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2,000. तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में फर्नीचर से माइनस कर देंगे. लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओके. आगे अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ 2,000 वाज टू बी मेड. बैड डेट्स के लिए आपको प्रोविजन करना है. तो प्रोविजन का होता है क्रेडिट बैलेंस. तो हमारी एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 2,000. तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 2,000 करेंगे और तुरंत बैलेंस शीट में जाके इसका इफेक्ट दे देंगे. डेटर्स से माइनस करना है 2,000, 16,200 लेस आरडीडी. ओके, प्लीज रिमेंबर बच्चों, सारी जो भी आपके एडजस्टमेंट्स है उसके मिनिमम दो इफेक्ट्स आएंगे. तुरंत आपको एक इफेक्ट देने के बाद यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, यहाँ पे सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा. तुरंत सेकंड इफेक्ट दे दो तो आपका प्रॉब्लम हमेशा सही होगा, गलती की गुंजाइश ही नहीं होती है, ठीक है, ओके. आगे स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 58,000. स्टॉक कितने पे दिख रहा है? 54,000. हमें बोला गया है इट हैज टू बी वैल्यूड एट 58,000, मतलब वैल्यू को 4,000 से बढ़ाना है. तो मेरी एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 4,000. तो यहां पे मैं लिख लेती हूं बाय स्टॉक अकाउंट 4,000 और तुरंत सेकंड इफेक्ट स्टॉक में ऐड कर देंगे. यहां पे हमें 4,000 ऐड करना है. ऐड एप्रिसिएशन, ओके. आगे सेकेंड देखो क्या है. ओम शुड ब्रिंग इन 80,000 एज कैपिटल. उसने 80,000 लाया बिजनेस में कैपिटल के लिए. तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल 80,000. ऑलराइट, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? बैंक की जो हमारी वर्किंग नोट है उसमें हमें 80,000 ऐड करना है. इस वर्किंग नोट में आई एम गोइंग टू ऐड 80,000. और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सेकेंड इफेक्ट होगा ओम का कैपिटल अकाउंट जो हमें क्रेडिट करना है 80,000 से. अब यहां पे हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाया है तुरंत बच्चों, बिकॉज यहाँ पे करंट और कैपिटल दो अकाउंट्स है, राइट. तो बैलेंस शीट में चलते हैं एंड यहां पे हमें तुरंत लिख लेना है 80,000 ओम, ओके, आउटर कॉलम 4 लाख. आर यू गेटिंग दिस? ओके, आगे 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वॉज रिटेन्ड इन द बिजनेस. जब भी पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा आया है बिजनेस में, राइट. सो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुडविल, राइट. और ये जो गुडविल है ये मुझे ट्रांसफर करना होता है किसे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइस रेशो. ओके, याद रखना है ये. जब भी न्यू पार्टनर उसका गुडविल का शेयर लाता है वी यूज द सैक्रिफाइस रेशो. बच्चों गुडविल का लेक्चर याद करिए, ठीक है. तो ये जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू राधा एंड विकास. लेकिन इनका सैक्रिफाइस रेशो हमारे पास है क्या? लेट अस चेक. सैक्रिफाइस रेशो तो हमें नहीं दिया गया है. ऐसे सिनेरियो में जहां पे स्पेसिफिकली आपको सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया जाता है, हम क्या करते हैं? जो ओल्ड रेशो है दैट बिकम्स आर सैक्रिफाइस रेशो. तो यहां पे सैक्रिफाइस रेशो इज 3:2. ओके, सो 3:2 में हम डिवाइड कर देंगे हमारी गुडविल को. सो 20,000 अपॉन 5:3 एंड 20,000 अपॉन 5:2 कितना आ रहा है ये? 8,000 एंड 12,000.
तो यहां पे लिख लेते हैं एंट्री में। देखिए आपको ये जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है बच्चों, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम पासिंग दिस जर्नल एंट्री। यू कैन वेरी वेल डायरेक्टली ट्रांसफर दिस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये जो गुडविल है ये नलीफाई हो गई है, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट में। 20,000 रुपए मुझे यहाँ पे मेरे वर्किंग नोट में एड करना है, और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नाउ प्लीज रिमेंबर, यहां पे हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन ये जो राधा और विकास है इनके करंट अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। ओके, प्लीज रिमेंबर, हम अब तक कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, हमें कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट जब दिए जाते हैं तो सारे जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वी हैव टू पास दोज इन द करंट अकाउंट। ओके, तो ये 12,000 और 8,000 मेरे करंट अकाउंट में जाएगा। So here I am going to write down 12,000 and 8,000 by goodwill. Are you all getting this? Okay, गलती से इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम इनकरेक्ट हो जाएगा। यू हैव टू बी अटेंटिव दैट इस प्रॉब्लम में आपको करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट्स दिए हैं, तो जब भी आप कोई भी एडजस्टमेंट्स करेंगे रिलेटेड टू पार्टनर्स इट हैज टू पास थ्रू योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, आगे द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू NEFT। NEFT मतलब ये बैंक के थ्रू रीपे हुआ है। लोन कितने पे दिख रहा है? 40,000 पे दिख रहा है। ये हमने जब रीपे किया मेरे बिजनेस से पैसा बाहर गया या अंदर आया? पैसा बाहर गया है, राइट? तो यहां पे मुझे एंट्री क्या पास करनी होगी? लोन फ्रॉम बालू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। तो फर्स्ट इफेक्ट जो मेरा लाइबिलिटी साइड पे लोन है वो जीरो हो जाएगा बिकॉज रीपे हो गया। तो यहां पे मैं -40,000 कर दूंगी और आउटर कॉलम में होगा जीरो लेस रीपेड। दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट, मेरा जो बैलेंस है बैंक का वो कम होगा 40,000 से, राइट? तो वर्किंग नोट में मुझे यहां पे माइनस करना है 40,000। प्लीज रिमेंबर टू डू दिस। ओके, यहाँ पे ये बहुत बार हमारे दिमाग से निकल जाता है बिकॉज ये वर्किंग नोट है, वी जस्ट टेंड टू इग्नोर इट। प्लीज डोंट डू दैट। आस्क योरसेल्फ आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट, हैव आई गिवन टू इफेक्ट्स और नॉट? इफ यू हैव नॉट गिवन, आपका यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम्स टैली नहीं होंगे। ठीक है, प्लीज चेक दिस बिकॉज ये बहुत सिली मिस्टेक होती है एंड आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ माई स्टूडेंट लूजिंग मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ सच सिली मिस्टेक्स। ठीक है, चलो अब और कुछ बचा है क्या? Nothing is remaining now. So one by one we are going to close all the accounts. सबसे पहले revaluation account को close करेंगे. Find out यहाँ पे totals क्या आ रही है? ये आ रहा है मेरा 64,000. I'm going to write this down. और यहाँ पे debit side पे सिर्फ 4,000 है, तो 60,000 is my profit on account of revaluation which I have to transfer to partner's current account. Please remember, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। राधा एंड विकास एंड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 कितना आ रहा है? 36,000 एंड 24,000। तुरंत इसका इफेक्ट देना है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 36 एंड 24 बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कितने आ रहे हैं बैलेंसेस? 50,400, 34,800। ऑलराइट, यहां पे यही हमारे बैलेंसेस है, तो लेट्स राइट दिस डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन 50,400 एंड 34,800, ये हमारे बैलेंस शीट में दिखेंगे अंडर करंट अकाउंट। तो हियर करंट अकाउंट्स राधा एंड विकास 50,400, 34,800 कितना आ रहा है? अब क्या बचा? अब जो हमारा कैश बैलेंस है वो यहां पे हम लिख लेंगे, कितना आ रहा है? This is 62,200. ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा, यहां पे I'm going to write down 62,200. Don't forget this balance, okay? टोटल कर लो, अगर सब सही किया है तो ये टोटल जरूर टैली हो जाएगी।
497,200 and 497,200. इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड हिट द लाइक बटन एंड स्प्रेड द वर्ड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। इट्स जस्ट अ स्मॉल जेस्चर फ्रॉम यू ऑल बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।